Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that हम लोगों ने एक CSIR NET का ऑनलाइन फ्री कोर्स चलाया हुआ है और इस कोर्स में हम लोग सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट किया हुआ है और इस क्लासिकल मैकेनिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है और लेक्चर 30 तक हम लोगों ने MSc लेवल क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने स्मॉल ऑसिलेशंस, हैमिल्टोनियन, लैग्रेंजियन और भी बहुत कुछ, कैनोनिकल, पॉइजन बैकेट वगैरह कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इस STR स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम कर रहे हैं और इस स्पेशल थियोरी का आज लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो इससे पहले दो लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप देख लेना मेरी प्रोफाइल पे जाके, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और लाइव इंटरेक्शन करने के लिए, लाइव प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो मैं आपको लाइव अनअकैडमी प्लस पर मिल जाऊंगा, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आप मुझे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग फटाफट पढ़ते हैं। वेलोसिटी ट्रांसमिशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है, अ कार इज मूविंग विद स्पीड c/2, अ लाइट बीम इज इमिटेड फ्रॉम कार एट एन एंगल 60 डिग्री। देखो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ये आपकी कार है, तो ये जो आपकी कार है ये आपका मूव कर रहा है c/2 स्पीड से, मतलब ये c/2 स्पीड से आपका मूव कर रहा है और यहाँ से एक लाइट बीम आपका जा रहा है जो 60 डिग्री एंगल पर है ना, विद द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार, मतलब यहाँ से एक लाइट बीम जा रहा है और वो 60 डिग्री एंगल पर है, और 60 डिग्री एंगल किससे बनाया हुआ है, ये उस वेलोसिटी कंपोनेंट से बनाया हुआ है जिस डायरेक्शन में आपका कार जा रहा है, मतलब यहां से बनाया हुआ है 60 डिग्री, तो ये आपका कार प्लस एक्स में जा रहा है इसलिए 60 डिग्री आपका यहां से बना हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द लाइट इन द डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है आपको लाइट का इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखो ये अगर कार में कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कार का जो ड्राइवर है, तो ये ड्राइवर जो है वो आपका एस डैश फ्रेम में कहलाएगा, बिकॉज एक मूविंग फ्रेम आपका ये है कार। अब ग्राउंड की अगर बात करूं तो ग्राउंड हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जर्वर है, ये एस फ्रेम से देखेगा आपको कार को, तो वो पूछा है कि अगर ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर है, मतलब ग्राउंड आपका स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो वो कॉम्पोनेंट निकालना है वेलोसिटी का जो कार की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, सपोज हमारे पास ये लाइट है, ये लाइट आपका पार्टिकल है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी यूएक्स डैश कहलाता है। अगर हम लोगों ने कहाँ से देखा इसको, यूएक्स डैश कहलाएगा अगर हम लोगों ने इसको देखा है कार से, मतलब मूविंग फ्रेम से देखा है, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर अगर बात की जाएगी तो यूएक्स डैश और कोस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द कार। तो वो पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द कार के अंदर इसका कंपोनेंट क्या होगा अगर आप एस फ्रेम से देखते हो, अगर आप यहां देखते हो तो अलग बात है। तो हमें नॉर्मली क्या देखना है, हमें यूएक्स निकालना है, यूएक्स हमें निकालना है यहाँ पे, तो स्टेबल फ्रेम में आपको कोऑर्डिनेट हमें पता है फॉर्मुलेशन क्या होता है, यूएक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यूएक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मुलेशन होता है। अगर हमें स्टेबल फ्रेम में, मतलब स्टेशनरी फ्रेम में कंपोनेंट चाहिए और मूविंग फ्रेम के कोऑर्डिनेट पता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है ना, अगर मूविंग फ्रेम के कोऑर्डिनेट चाहिए, स्टेबल फ्रेम के आपको पता है, तो यहाँ पे केवल माइनस आता है और कुछ नहीं है, यहाँ पर वी माइनस में भी आता है। तो आपको देखो उसने क्या पूछा है, अब यहाँ पे आप देखो जो यूएक्स डैश है वो क्या है हमारे पास, जो उसका वेलोसिटी है, लाइट वेलोसिटी है। अब ऑब्वियस सी बात है लाइट वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होता है, लाइट वेलोसिटी सी होता है, तो मैं इस ux की जगह क्या कर दूं, c पुट कर देता हूं एक बार, है ना, तो ये सही रहेगा कि लाइट वेलोसिटी आपका c है, क्योंकि आपका लाइट बीम है तो लाइट वेलोसिटी से जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ux डैश बराबर अगर मैं यहां कर दूं तो ये भी सही रहेगा कि यहां पे मैं एक काम करता हूं, यहां पे ये हो जाएगा c cos 60, तो ux डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास c cos 60 डिग्री, है ना, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, x डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा c cos 60, और वेलोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है कार का वेलोसिटी कितना है हमारे पास, कार का वेलोसिटी है हमारे पास c/2, ये तो आपको गिवन है,
और आपका कार एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये जो फॉर्मुलेशन है वो तभी होता है जब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है? तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो सही है ना? और यूएक्स टेस्ट मतलब कि एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, उसने आप ये से यही पूछा हुआ है कि एक्स में कंपोनेंट निकालना है आपको, तो यूएक्स टेस्ट की आपको नीड है। तो कोस 60 डिग्री कितना होता है? सी बाय 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? C/2 हो जाएगा। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले पुट करना है, और फॉर्मूले वैल्यू पुट करना, तो यूएक्स टेस्ट बराबर कितना हो जाएगा? C/2 प्लस ये हो जाएगा C/2 अपॉन 1 प्लस 1/4 हो जाएगा, और इसको सिंपली सोल्व कर देता जाएगा 4C/5। ओके, तो सिंपली इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर कभी भी सी से ऊपर नहीं आएगा, हमेशा सी से कम ही आएगा, याद रखना, क्योंकि किसी की वेलोसिटी सी से ऊपर नहीं होती है। दिस इज आंसर। अब एक्स्ट्रा मैं निकालता हूँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, अगर वो क्वेश्चन में रिजल्टेंट पूछता तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे यूआई भी निकालना पड़ता, और यूआई निकालना पड़ता तो यूआई का फॉर्मूला क्या होता है? यूआई डैश अंडरूट 1 माइनस V² / C² / ये एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ आपके लिए। 1 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा? यूएक्स डैश V/C² अगर उसने रिजल्टेंट पूछा हुआ तो आपको यूआई भी निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द यूआई डैश? यूआई डैश का मतलब है उसका वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा उसका? C sin 30 डिग्री, है ना? अगर आप कार में बैठे बैठे देख रहे हो तो ये वाला कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C√3/2। तो इसको आप सिंपली यहाँ पर पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो यूआई डैश आप लोग कैलकुलेट करना, तो सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3/5 और सी हो जाएगा, है ना? यूआई डैश की वैल्यू पुट कर दो, वी का वैल्यू तो सेम रहेगा C/2, तो वी का वैल्यू तो आप C/2 पुट करना और सॉल्व करना, तो इतना आ जाएगा। देन रिजल्टेंट अगर आपसे पूछे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने कल भी देखा था, रिजल्टेंट अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? U√UX² + UY² तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ना उसके करस्पॉन्डिंग। तो रिजल्टेंट आप देखोगे कितना आएगा, आपका आंसर सी आएगा। तो ये बहुत सिंपल सा फिजिकल मीनिंग है, किसी भी लाइट का वेलोसिटी मतलब लाइट वेलोसिटी, चाहे आप एस डैश से देखो चाहे आप एस से देखो, वो कांस्टेंट रहता है, इनवेरिएंट रहता है। ये फर्स्ट पेस्टुलेट है, फर्स्ट पेस्टुलेट बोल सकते हो आप इसको, एसटीआर का फर्स्ट बोल दो सेकंड बोल दो एक ही बात है। बट लाइट वेलोसिटी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर सेम ही रहता है, चाहे आप एस डैश से देखो चाहे एस से देखो, और आपका आंसर भी सेम ही आएगा लाइट वेलोसिटी का, ठीक है? तो इसमें कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीएस है, नेट में ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट मूव मूव इन अ स्लैब, मूव्स इन अ स्लैब, स्लैब मतलब कि एक टुकड़ा होता है छोटा सा कोई भी, ऑफ ग्लास, एक ग्लास का टुकड़ा है, स्लैब मतलब एक ग्लास का टुकड़ा है, ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एन होता है, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ना आप लोग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कोई भी मीडियम है उसके अंदर, है ना, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन स्लैब इटसेल्फ इज ऑल्सो मूविंग, स्लैब स्लैब खुद मूव कर रहा है अब, स्लैब इटसेल्फ स्लैब इटसेल्फ इज ऑल्सो मूविंग, इज ऑल्सो मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है? विद अ स्पीड वी, विद अ स्पीड वी,
तो वी स्पीड से वो खुद ही मूव कर रहा है, ठीक है, इन लेबोरेटरी फ्रेम, इन लेबोरेटरी फ्रेम। एल फ्रेम का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, एल फ्रेम का मतलब होता है स्टेबल फ्रेम, मतलब धरती वाली फ्रेम, जो मूव नहीं कर रही ना वो वाली फ्रेम कहलाती है लेबोरेटरी फ्रेम। इन द एल फ्रेम व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बीम ऑफ लाइट एज मेजर्ड इन द एल फ्रेम, ऑफ एज मेजर्ड इन एल फ्रेम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की देरी है आपको और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन देखो इसका आप लोग, तो सॉल्यूशन अगर आप देखते हो उसमें, तो सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका स्लैब है, स्लैब मतलब कोई भी कांच का टुकड़ा है। अब इसके अंदर कोई मीडियम अवेलेबल है, ऑब्वियस सी बात है मीडियम अवेलेबल है, तो ये मीडियम है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एन है, तो ये एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अवेलेबल है, इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एन है। ये खुद मूव कर रही है स्लैब वी वेलोसिटी से, इसका मतलब ये एस डैश फ्रेम कहलाएगी आपकी, मूविंग फ्रेम कहलाएगी आपकी स्लैब, क्योंकि ये मूव कर रही है। और यहाँ पर कोई लाइट बीम है, देखो अगर लाइट बीम को वैक्यूम मिलता है, लाइट बीम को अगर वैक्यूम मिलता है, मान लीजिए कोई भी आपकी लाइट की बीम है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, बट हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट अपॉन स्पीड उस मीडियम के अंदर। तो हमारे को अगर वेलोसिटी निकालनी है मान लीजिए बीम की स्लैब के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, सी अपॉन एन हो जाएगी सिंपली, है ना, रिफ्रैक्टिविटी का फॉर्मूला ही होता है, आप लोग ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो अगर हम देखते हैं ना बीम को, तो बीम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सी अपॉन एन हो जाएगी इन द स्लैब, इन द स्लैब मतलब कि स्लैब के अंदर लाइट बीम इस वेलोसिटी से मूव करेगा। और ये वेलोसिटी आप कहाँ से मेजर कर रहे हो, ये वेलोसिटी आप मेजर कर रहे हो स्लैब के अंदर से, ऑब्वियस बात है स्लैब के अंदर से मेजरमेंट ले रहे हो, क्योंकि स्लैब मतलब कि मूविंग फ्रेम से मेजरमेंट ले रहे हो, मूविंग फ्रेम से मेजरमेंट ले रहे हो, इसका मतलब ये है उसने खुद ने आपको बोला है कि आपको उस बीम का स्पीड निकालना है जब आप एल फ्रेम से देख रहे हो। एल फ्रेम का मतलब ये स्टेबल फ्रेम है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं एस फ्रेम, एल फ्रेम बोल दो या फिर एस फ्रेम बोल दो, स्टेबल फ्रेम, यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना है। और देखो सिंपल सी बात है, ये मूविंग फ्रेम है, तो ये मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो v बराबर v दिया हुआ है मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी, ठीक है। और हम जानते हैं कि अब वेलोसिटी ऑफ द लाइट दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है यू एक्स डैश, मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में यू एक्स डैश दिया हुआ है सी अपॉन एन, और उसने खुद ने पूछा हुआ है स्पीड ऑफ द बीम निकालनी है आपको एल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, मतलब स्टेबल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो आपको क्या निकालना है, एल फ्रेम के रेस्पेक्ट में बीम का वेलोसिटी आपको निकालना है, मतलब कि स्टेबल फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपको बीम का वेलोसिटी निकालना है, सिंपल सी बात है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप लोग, यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन वन प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है, सी अपॉन एन प्लस वी अपॉन वन प्लस सी वी अपॉन एन सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन वी प्लस सी अपॉन एन अपॉन वन वन की एस, ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एन सी प्लस वी अपॉन एन सी, तो ये एन से एन कट जाएगा, ठीक है, ये है एन सी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास सी मल्टीप्लाई विद द, ये ऊपर चला जाएगा सी, तो कितना हो जाएगा एन वी प्लस सी अपॉन एन सी प्लस वी। अब जो भी आपका ऑप्शन है उस अकॉर्डिंग आप देख रहे ना, आपके ऑप्शन आएंगे ना एग्जाम में, तो ऑप्शन के रेस्पेक्ट में इस तरह से हम लोग ले लेंगे, है ना।
चलिए देखिए, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कुछ आपके पास हो सकते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है? सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो गया था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा आपके पास में? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट 2 i कैप प्लस j कैप इन s फ्रेम एंड v डैश इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? c अपॉन अंडर रूट 2। देखो यहां पर v डैश और v मतलब नॉर्मली आपको पार्टिकल वेलोसिटी दी हुई है, ये एस फ्रेम में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको नॉर्मली क्या मानते हैं? यू मान सकते हैं, ठीक है? और ये एस डैश फ्रेम में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यू डैश भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आई कैप प्लस जे कैप इन एस डैश फ्रेम, ठीक है ना? इन एस डैश फ्रेम। ओके, अब आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द व्हाट ये आपको निकालना है एस डैश फ्रेम विच इज मूविंग, विच इज मूविंग इन प्लस एक्स। देखो कंडीशन तो वही का वही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, तो कंडीशन में तो कोई बड़ी बात नहीं है, वही की वही कंडीशन है। अब आपको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ द एस डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ये। तो वेलोसिटी ऑफ द एस डैश फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ द एस डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, है ना? चलो मतलब कि नॉर्मल सी बातें हैं आपके लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि यूएक्स आपको गिवन है, यूएक्स कितना गिवन है? सी अपॉन अंडर रूट 2, दैट इज द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ये भी आपको गिवन है। यूएक्स डैश आपको गिवन है, एक्स कॉम्पोनेंट कितना है माइनस का सी अपॉन अंडर रूट 2, और UI डैश गिवन है आपके पास में सी अपॉन अंडर रूट 2, लाइक दिस। तो बस आपको वी पूछा हुआ है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज ले लो आप, जो जो आपकी इच्छा हो। आप ये वाला फॉर्मूला यूज ले सकते हो कि UX डैश बराबर क्या होता है, UX माइनस का V अपॉन 1 माइनस UX V अपॉन सी स्क्वायर। कोई सा भी एक फॉर्मूला ले लो, UI डैश का फॉर्मूला यूज ले लो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो आपको UX डैश की वैल्यू गिवन है कितना है, माइनस का सी अपॉन अंडर रूट 2 गिवन है। UX का वैल्यू गिवन है सी अपॉन अंडर रूट 2। आपको v तो पूछा हुआ है, तो v तो ऐसा कैसा रहने दो, आपसे उसने v पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द एस डैश फ्रेम और अपॉन 1 माइनस UX का वैल्यू क्या है अपने पास, UX का वैल्यू है सी अपॉन अंडर रूट 2, तो सी अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विद द v अपॉन सी स्क्वायर। तो ये सी से सी कट जाएगा, थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा आपको इसको। तो सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, सी माइनस का अंडर रूट 2 v अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, अपॉन दैट इज सी माइनस अंडर रूट 2 वी अपॉन सी, है ना? और इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन अंडर रूट 2। थोड़ा और सॉल्व करो इसको, तो आपको तो वी निकालना है, वी को अकेला कर लो। तो वी अकेला करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी माइनस का अंडर रूट 2 वी अपॉन अंडर रूट 2। अब यहाँ से अंडर रूट 2 का तो कोई मतलब रहेगा नहीं, इसको तो काट दो आप, ये तो कोई मतलब का नहीं है। बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 वी मल्टीप्लाई विद द सी, ठीक है? और यहाँ पर एक और सी है, तो आप इसको भी सी से अपॉन सी कर सकते हो, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा सी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे और इसको सॉल्व होता इतना जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो फॉर्मूले वही के वही हैं, बस आपको ये समझना है कि फॉर्मूले यूज कहाँ लेना है। बाकी इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि आप फॉर्मूले यूज लेना नहीं निकाल सकते। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो मैंने आपको कल समझा ही दिए थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है? अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं होमवर्क के लिए। चलो वो होमवर्क आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें होमवर्क कर लेना, ठीक है?
तो एक होमवर्क है, आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, और इसी के साथ मैं वेलोसिटी जो है खत्म करूंगा, ठीक है? उसके बाद फिर मैं क्या बोलते हैं, लास्ट इयर्स के प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, वेलोसिटी के, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, सी एस आई नेट में जो लास्ट ईयर्स में प्रॉब्लम्स आई हुई है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा, कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स करनी है, कैसे कैसे उनको फेस करना है, और किस तरह के क्वेश्चन सी एस आई नेट में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जेस्ट में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन गेट में आते हैं, वो सब हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? गेट के पहले हम लोग नेट के करेंगे, उसके बाद बाकी करेंगे। अ कार इज मूविंग विद स्पीड सी बाई टू, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होमवर्क का, अ कार इज मूविंग विद स्पीड सी बाई टू, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम, एक पत्थर आपने फेंका है, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द कार विद, फ्रॉम द कार विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, विद स्पीड सी, विद के बाद एक लाइन लिखना भूल गया मैं, विद स्पीड, विद स्पीड सी अपॉन अंडर रूट टू एट 45 डिग्री एंगल, एट 45 डिग्री एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार, ऑफ द कार, व्हाट इज द एंगल एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाट इज द एंगल एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब अगर ग्राउंड से आप उसको देखते हो तो उसका एंगल क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखो ग्राउंड से आपको देखना है तो देखो एंगल निकालने के लिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट मैं आपको हिंट दे दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ये कार जा रही है आपकी, ठीक है? ये एस डैश फ्रेम मतलब मूविंग फ्रेम है, कार यहाँ जा रही है, और कार की स्पीड क्या है, सी बाई टू है, मतलब कि आपको वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, वो कितना दिया हुआ है आपको, सी बाई टू दिया हुआ है, कार का वेलोसिटी आपको सी बाई टू दिया हुआ है यहाँ पे ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे पत्थर आपने फेंका हुआ है और वही 45 डिग्री पे फेंका हुआ है, लाइक दिस, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द कार विद स्पीड सी बाई अंडर रूट टू, यहाँ से एक पत्थर फेंका मैंने, है ना, वो 45 के एंगल पे फेंका मैंने, अगर मैं कार से देख रहा हूँ 45 डिग्री के एंगल पे फेंका मैंने, इसका वेलोसिटी सी अपॉन अंडर रूट टू है, तो यहाँ पे अगर मैं उसका कॉम्पोनेंट लूंगा तो पत्थर का कॉम्पोनेंट मतलब कार से देखने पर कितना हो जाएगा, सी बाई अंडर रूट टू, और ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री, और अगर यहाँ कॉम्पोनेंट निकालूंगा तो यू आई डैश कितना हो जाएगा उसका, सी बाई अंडर रूट टू और साइन 45 डिग्री। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो मैं आपको हिंट जरा करना क्या है आप लोगों को, आपको धरती से निकालना है ना कि धरती से कितना एंगल है, मतलब ग्राउंड से स्टेबल फ्रेम से आपको निकालना है, तो आप एक काम करेंगे यू एक्स निकालेंगे पहली बात तो, है ना, फिर यू आई निकालेंगे आप उसका, यू एक्स यू आई निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको सारी वैल्यूज गिवन है, यू एक्स डैश गिवन है, यू आई डैश गिवन है, वी गिवन है, सब कुछ गिवन है आपको, तो आप आराम से निकाल सकते हो। यू एक्स डैश का आंसर आएगा आपका 4c/5, यू आई डैश का आंसर आएगा अंडर रूट 3c/5, ठीक है ना? और फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग निकाल लेंगे यू एक्स डैश यू आई डैश आपका निकल गया, ठीक है? अब उसने बोला है कि धरती से देखने पर क्या एंगल है उसका, तो देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, धरती से देखने पे आप एक काम करेंगे पहले, फिर इनका रिजल्टेंट यू निकालेंगे, यू अंडर अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू आई स्क्वायर, ऐसे निकाल लेना, और जब आप ये निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 90c/5, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम लोग धरती से देखेंगे इसका कोस थीटा आपको निकालना, तो वो सिंपल सा क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका यू एक्स डैश है, ये आपका यू एक्स है, सॉरी ये जो आपका यू एक्स है ये यू है, तो ये परपेंडिकुलर डाल दो आप लोग, ये आपका थीटा एंगल है धरती से देखने पर, ठीक है? तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब ये यू जा रहा है
ये यूएक्स जा रहा है, ठीक है, तो कोस रे कितना हो जाएगा, यूएक्स अपॉन वी, यूएक्स अपॉन यू, यूएक्स अपॉन यू। तो बस आपने यूएक्स निकाल लिया, आपने यू निकाल लिया, तो सिंपली इस यूएक्स का आप लोग क्या करते हैं, यू से डिवाइड करते हैं, तो एंगल कितना आ जाएगा, कोस रे कितना जाएगा, 4/√90। बस अब अगर आपका ऑप्शन साइन की फॉर्म में दिया हुआ है तो साइन की फॉर्म में निकाल लो, बड़ा सिंपल सा काम है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जो आपको थोड़ी सी दिमाग लगा के करने थे, बाकी इतने कोई हार्ड नहीं थे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको निकालना है कैसे कैसे आप निकाल सकते हो। तो धरती से आपको देखना है, तो धरती से देखने के लिए एंगल मतलब स्टेबल फ्रेम से ये वाला निकालना पड़ेगा आपको, यूएक्स निकालना पड़ेगा पहले, और ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी यू ये आएगा, ये आपका यूआई आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये थीटा है, तो आप सिंपली थीटा निकाल लो, तीन वेक्टर्स अवेलेबल है, ठीक है ना। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वेलोसिटी का, अब आप लोग गलत नहीं कर सकते। अगर एंगल से रिलेटेड आ जाए तब भी एंगल के लिए आपको कॉम्पोनेंट निकालने पड़ेंगे, एंगल निकालना है तो कॉम्पोनेंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो एंगल से अगर कोई वेलोसिटी आता है, तो मैंने आज आपको एंगल वाले क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और भी लास्ट क्वेश्चन हम लोग कल से करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।